एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लैब। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अज्ञात बाइक के टक्कर से साइकिल सवार व्यक्ति की मौत, मेडिकल में अत्याधुनिक उपकरण, वैक्सीनेशन अभियान और हुआ तेज। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। एमआईडीसी थाना अंतर्गत अज्ञात बाइक चालक की टक्कर से 56 वर्षीय साइकिल चालक की मौत हो गई। मृतक का नाम संगम रोड निवासी विश्वनाथ रामजी राउत बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्वनाथ डेकोरेशन का काम करते थे। रात करीब 9:30 पर वह काम खत्म करके घर जा रहे थे। इसी दौरान राजीव नगर में संजय काटिया भंडार के सामने किसी अज्ञात बाइक चालक ने उनकी साइकिल को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। विश्वनाथ गिरकर पूरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय बाइक चालक वहां से फरार हो गया। विश्वनाथ को तुरंत मेडिकल लाया गया, जहां प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, मेडिकल अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी सिस्टम स्थापित करने में हो रही देरी तथा प्रशासन की लचर कार्य प्रणाली पर अदालत मित्र अनूप गिरडा द्वारा ध्यानाकर्षित करने के बाद हाईकोर्ट की ओर से कई कड़े आदेश जारी किए गए हैं। बुधवार को सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से बताया गया कि आदेशों के अनुसार अत्याधुनिक उपकरण स्थापित करने की दिशा में कार्य जारी है। चल रही प्रक्रिया की जानकारी शपथ पत्र के साथ देने के लिए 1 सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया गया। अगली खबर, कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद वैक्सीनेशन अभियान भले ही कुछ समय के लिए कमजोर पड़ रहा हो, लेकिन नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के चलते अब पुनः वैक्सीनेशन अभियान ने तेजी पकड़ ली है। हालांकि ओमिक्रॉन के संक्रमण से शहर तो बचा हुआ है, किंतु समय से पहले सतर्कता जरूरी का पालन कर जनता वैक्सीनेशन लेने के लिए केंद्रों पर अब कतार लगा रही है। महानगरपालिका और सरकार के 150 सेंटर्स पर निरंतर कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका उपलब्ध कराया जा रहा है। यहां तक कि हर घर दस्तक नया अभियान चलाकर प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम पहला डोज देने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। राज्य सरकार की ओर से भी पर्याप्त मात्रा में कोविशील्ड की वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।